गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. माय सेल्फ अर्चना, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10, हार्ड अर्न्ड मनी, मेहनत का पैसा. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए प्रिंस इन ए स्मॉल प्लेस. एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रिंस यानी पुरोहित रहता था. ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर. स्कॉलर का मीन्स विद्वान. वो एक विद्वान था. बट ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन वह बहुत गरीब था. ही अर्न्ड His livelihood by holding religious discourses in the evening. वह अपनी जीविका कमाता था, जो भी कुछ वो प्रवचन देता था या जो भी कोई भविष्यवाणी करता था शाम को. The people who attended the discourses usually him something or other in light of his religious discourses. जो लोग आते थे शामिल होने, उसके प्रवचन को सुनने, कुछ लोग तो कुछ देते थे, लेकिन जो अदर लोग थे वो उसके जो प्रवचन थे उसको वो झूठ बोलते थे. ही वुड नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी. वो किसी से कुछ भी नहीं कहता था, नहीं किसी से कुछ मांगता था. दो इट वॉज नॉट एनफ फॉर द फैमिली. यद्यपि ये सब पर्याप्त नहीं था उसकी फैमिली के लिए. बट बीइंग ए ग्रेट स्कॉलर, लेकिन एक अच्छा विद्वान होने के नाते, ही थॉट इट ब्लो हिज डिग्निटी टू टेक अप एनी अदर जॉब. लेकिन वो अन्य कार्य को करना उसे अपमान लगता था. वन डे ही गॉट नथिंग फ्रॉम द ब्लेजर एंड हिज चिल्ड्रन हैज टू स्टार्व. एक दिन उसे जो गांव वासी थे उससे कुछ भी नहीं मिला, और जो उसके बच्चे थे वो भूखे थे. हिज वाइफ वाज फ्यूरियस एट द पुअर कंडीशन. जो उसकी वाइफ थी वो क्रोधित हुई पुअर कंडीशन पर, इस हालत को देख के. शी वेंट बिफोर हिम एंड शाउटेड. वह उसके पास गई और चिल्लाई, आई वॉन्ट टू सफर नो मोर. अब मैं इससे ज्यादा सफर नहीं कर सकती. आई कांट बियर टू सी माई चिल्ड्रन गोइंग हंग्री. उसकी पत्नी ने बोला कि वो अब इससे ज्यादा सफर नहीं कर सकती. आई कांट बियर टू सी माई चिल्ड्रन गोइंग हंग्री. मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं. गेट अप एंड गो टू द किंग. उठो और जाओ राजा के पास. आस्क हिम सम मनी. उनसे कुछ पैसे मांगो. ही इज काइंड एंड जनरस. वे दयालु हैं और उदार हैं. ही वुड श्योरली हेल्प यू. वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे. द प्रिस्ट वॉज हेल्पलेस एंड हैड टू गिव इन हर टू डिमांड. जो प्रिस्ट था वो हेल्पलेस था, असहाय था, और उसे उसकी बात को मानना पड़ा. ही वेंट टू द पैलेस. वह पैलेस गया यानी महल गया. सिंस एवरीबॉडी न्यू हिम वेल. जबकि वहां सभी लोग उसे जानते थे. द गार्ड शोड हिम प्रॉपर रेस्पेक्ट. जो गार्ड था उसने उसे प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया. एंड टूक हिम बिफोर द किंग. और वह उसे राजा के सामने ले गया. द किंग गेव हिम अ सीट एंड शोड हिम ब्लेसिंग. राजा ने उसे सीट दी और उससे आशीर्वाद मांगा. Then he said, तब उसने कहा, I feel related at your presence in my humble palace. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आपके बहुत खुश हूँ आपके महल में आने पे. मतलब जैसे जब वो विद्वान तक वहां पहुंचा तो राजा उसे देख के बहुत खुश हुआ. Please tell me what I can do you. अब राजा ने उस पुरोहित से कहा कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. द प्रिस्ट कुड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द किंग बट ओनली सेड. जो पुरोहित था उसने कहा कि उसने वह कुछ भी नहीं कह सका. बट किंग नॉट ओनली सेड. लेकिन जो राजा था उसने कहा, योर मजिस्ट्री हैव कम हेयर ओनली टू मीट यू और माई डिजायर इज फुलफिल्ड नाउ. योर मजिस्ट्री, मेरे भगवान या मेरे ईश्वर, यू हैव हेयर ओनली टू मीट यू. यानी उस पुरोहित ने कहा कि मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आया हूँ और आपकी इच्छा को पूरा करने आया हूँ. तो क्लास में आज आपको इतना ही चैप्टर समझा रही हूँ. आगे का चैप्टर मैं आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. थैंक यू.